वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दिए हैं स्पीकर साहब को, स्पीकर साहब हमारे सारे बात बड़े ध्यान से सुना हुई है और अगले तारीख हम दिल्ली के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने सुनियोजित तरीके से हमारे एमपी के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के बाद इस तरीके की घिनौने हमला किए और वो भी खास दिल्ली में जब एआईसीसी दफ्तर के अंदर भी घुसते हुए हमारे कार्यकर्ता को, हमारे एमपी को जिस तरीके से यहाँ के पुलिस वालों ने हमला किया, काफी हमारे एमपी गहरा चोट भी खाई हैं और जब थाने में ले जाते हैं थाने में भी यहाँ के पुलिस वालों ने कल हमारे एमपी के साथ इस तरीके की बर्ताव किए हैं कि लगता है हम सारे कांग्रेस की एमपीज और कांग्रेस की कार्यकर्ताएं आतंकवादी बन चुके हैं। राहुल गांधी जी को लगातार 3 दिन 10, 11, 12 घंटे तक पूछताछ किया जाते हैं, फिर दोबारा बुलाए जाते हैं। देखिए, किसी से कोई पूछताछ करने में हमें कोई परहेज नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो भी करो उसमें बदला की राजनीति ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू प्रेशराइज, डिमोलराइज, टू डिफेम and to show to the world that if you oppose the ideology of the BJP or the government of India, then you will be put to test. The entire force of the government of India is falling down upon its opponents. We have nothing to hide. The charges are baseless. There is no truth in it. There is no FIR. There is no misappropriation. There is no allegation. It's a 7-year-old case that they have raked up just to divert the attention of the people of this country. Because in India, so much is going on now. The Kashmiri Pandits are being brutalized and killed in open daylight in Kashmir. Rice is highest ever, unemployment is highest ever, farmers are in distress, young people are on the streets. So avoid answering those questions. They are trying to deflect the attention of the people of India, to change the narrative, to keep the country on a boil.